हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार। गूगल एडसेंस से $100 बनने में कितना समय लग जाएगा? काफ़ी यूजर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं और इस वीडियो में आपको ये बताएंगे, अगर आप वेबसाइट चलाते हैं या फिर चलाने वाले हैं और सोच रहे हैं कि $100 बनने में कितना समय लग जाते हैं, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से $100 बनने में कितना समय लग जाएगा। क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग करते होंगे तो इसका एक्सपीरियंस होगा आपके पास, तो जो नए लोग होंगे उनको उससे मोटिवेट होंगे कि हाँ कितना समय लग जाएगा। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं $100 बनने में कितना समय लग जाएगा सोच रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ब्लॉग दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ व्यू इस तरह से आ रहे हैं, 130, 230 ऐसे कुछ व्यू आ रहे हैं लास्ट मंथ में, इस तरह का 1695 व्यू आए हैं। तो ये पेज व्यू होते हैं, खुद अगर हम भी व्यू करेंगे तो ये व्यू काउंट होते हैं, लेकिन एडसेंस में अलग व्यू दिखाते हैं। काफ़ी यूजर पूछते हैं कि एडसेंस में अलग कुछ और व्यू दिखाता है, यहाँ पर कुछ और दिखाता है। तो एडसेंस में वही व्यू काउंट होते हैं जो एड शो होते हैं, और जो हम लोगों ने मतलब कि जो एड शो होते हैं वही व्यू काउंट होते हैं यहाँ पे। तो अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए पेज 69 है और यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, तो यहाँ पे जो एड शो हुए हैं वही मतलब कि यहाँ पे काउंट हुए हैं। ओके फ्रेंड, अब बात ये आती है, देखिए मेरा फ्रेश से गूगल एडसेंस अकाउंट है, तो अगर हम मुझे $100 अर्न करना होगा तो काफ़ी समय लग जाएंगे और पोस्ट हमको लिखना होगा और रैंक कराना होगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, $100 तो एक दिन में यूजर बना करके अर्न कर रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तरीका कौन सा है मैं आपको बता दूँ, अपना चैनल बना रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर जो मोबाइल ऐप्स का रिव्यू वगैरह कर रहे हैं उसके थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, तो या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जो है कि ट्रैफिक ला करके $100 या फिर उससे कम या फिर मतलब कि $10-15 ऐसे अर्न कर रहे हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक की बात करें तो कम से कम आप 30 से 40 पोस्ट लिखेंगे, और अगर आपका गूगल से ट्रैफिक आएगा तो कम से कम आपको 3 से 4 मंथ वेट करना होगा, तभी आप $100 जो है कि बना सकते हैं। अगर आपका डेली का ट्रैफिक 1000-2000 आते हैं तो आप $100 3 से 4 मंथ में बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। लेकिन अगर आपका इससे कम ट्रैफिक है तो आपको ज़्यादा समय देना होगा, और अगर आपका इससे ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप 1 मंथ में इससे ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये काफ़ी यूजर पूछे हैं, तो यहाँ पे पेज व्यू के हिसाब से जो क्लिक हुए हैं उसके हिसाब से जो अर्निंग हो रहे हैं उसके हिसाब से एक आइडिया आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है तो क्या CPC मिलता है, किस तरह कितना पेज व्यू आते हैं तो कितना क्लिक हो जाते हैं, कितना अर्निंग हो जाएगा, इससे एक आइडिया लगा सकते हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं तो इससे जान सकते हैं कि $100 बनने में कितना समय लग जाएगा। तो अगर आप रियल की बात करूँ ऑर्गेनिक ट्रैफिक थ्रू अर्न करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50 से 60 पोस्ट लिखना होगा, इसमें आपको 2 से 3 मंथ समय लग जाएंगे। अगर इतना लिखते हैं तो आपकी पोस्ट रैंक होगी और रैंक होगी, ऑर्गेनिक ट्रैफिक 1 से 2 हज़ार आते हैं पर डे, तो आप डेली का मतलब कि $7-8 अर्न कर सकते हैं। तो महीने का $100 बहुत ईजी तरीके से अर्न कर सकते हैं, या फिर 2 मंथ में आप $100 अर्न कर सकते हैं। तो बस ये छोटा सा वीडियो था फ्रेंड, आपको उम्मीद है कि आपको ये देखने के बाद से आपको समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि $100 बनने में कितना मंथ लग जाएंगे आपके हिसाब से, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड।